आइए हीट इंजन से जुड़े कुछ समस्याओं के बारे में डिस्कस करें। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हीट इंजन से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स ऑन हीट इंजन। आइए पहली प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक कार्नो इंजन की दक्षता 50% है, उसके सिंक का ताप 7 डिग्री है, इसके सोर्स के ताप को कितना बढ़ाया जाए कि उसकी दक्षता 70% हो जाए। प्रश्न के अनुसार नीटा दिया हुआ है 50%, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, तो T2 जो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसे केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। T2 बराबर 7 + 273 बराबर 280 डिग्री केल्विन। नीटा डैश की वैल्यू है 70%, उस समय सोर्स का ताप T1 डैश है। यहाँ डैश का प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे करेक्शन कर लीजिए, इट इज़ T1 डैश। सिंक का टेम्परेचर 7 + 273 है, वो है 280 केल्विन। तो अब आपने देखा, आपको एफिशिएंसी पता है, नीटा टी वन आपको पता नहीं है, लेकिन T2 आपको पता है 280। तो यहाँ से आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सोर्स का ताप T1 बराबर T2/1 - नीटा। 50% दक्षता वाले स्रोत के लिए T2 की वैल्यू 280 केल्विन है। 1 - नीटा एफिशिएंसी 50% है इस केस में, तो 0.5, तो ये हो गया 280 / 0.5। सॉल्व कर लीजिए इसे। जब एफिशिएंसी 70% दक्षता हो जाती है तो हमें T1 डैश टेम्परेचर ज्ञात करना है, विच इज़ 280 / 1 - 0.07, विच इज़ 280 / 0.3। सोर्स के ताप में कितनी वृद्धि हुई, T1 - T1, विच इज़ 280 / 0.3 - 280 / 0.5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 373 केल्विन। आइए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक बहुत पॉपुलर कंसेप्ट भी है ये, कार्नो इंजन T1 व T2 तापों के बीच कार्य कर रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए सोर्स के ताप को बढ़ाने की अपेक्षा सिंक के ताप को समान मात्रा में घटाना अधिक प्रभावी होगा। देखिए, समान मान क्या वैल्यू आप याद रखिए, T1 और T2 तापों के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 - T2/T1 है। यदि दक्षता बढ़ाने के लिए सोर्स का टेम्परेचर T1 के मान में डेल्टा T के मान से वृद्धि की जाए, तो उसकी परिणामी एफिशिएंसी नीटा डैश बराबर 1 - T2/T1 + डेल्टा T के बराबर है। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, तो नीटा डैश बराबर T1 + डेल्टा T - T2 के बराबर है, एंड डिवाइडेड बाय T1 + डेल्टा T। अब हमने उसी सेम अमाउंट को डेल्टा टी को T2 में से सिंक के टेम्परेचर में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो देखिए उस समय जो एफिशिएंसी है वो है η" बराबर होगी 1 - T2/1 - डेल्टा T / T1। एलसीएम ले लीजिए, T1 - T2 + डेल्टा T / T1, और इसके बाद η" को η' से डिवाइड कर दीजिए। रिजल्टेंट आपके सामने है T1 + डेल्टा T / T1। नेचुरली T1 + डेल्टा T / T1 में कुछ ऐड किया गया है, इसलिए ऊपर वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ऊपर वाली जो टर्म है वो बड़ी होगी T1 से, तो अंडरस्टूड है कि η" इज़ ग्रेटर दैन η", अर्थात सोर्स के ताप को बढ़ाने की अपेक्षा सिंक के ताप को समान मात्रा से घटाने पर अधिक दक्षता प्राप्त होती है। आइए और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक 100 किलोवाट का इंजन है, हीट इंजन है, जो 490 डिग्री और 290 ताप के मध्य कार्य कर रहा है। हमें ये तीन चीज़ें निकालनी हैं, अवशोषित ऊष्मा एब्जॉर्ब हीट, विसर्जित ऊष्मा
और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। आइए इसमें जो दिया है उसी प्रश्न के अनुसार से हल करते हैं। W 100 किलोवाट यानी 10 की पावर 5 जूल प्रति सेकेंड इसकी वैल्यू है। W जो Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है उसकी वैल्यू 10 की पावर 5 जूल प्रति सेकेंड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है T1 490, T2 290, शक्ति जो दी हुई है पावर वो है 100 किलोवाट। हमें Q1 निकालना है, Q2 निकालना है और एफिशिएंसी निकालनी। आइए फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। हम जानते हैं कि Q1 upon T1 बराबर Q2 upon T2 के होता है, तो आप ऊपर की टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, नीचे की टर्म को भी सब्ट्रैक्ट कर लिए तो हमारे पास आता है Q1 minus Q2 upon T1 minus T2 बराबर Q1 upon T1। यहाँ से Q1 निकाल लीजिए, T1 into Q1 minus Q2 T1 minus T2। आइए आगे देखते हैं। Q1 यहाँ से निकाला गया, T1 490 है, Q1 माइनस Q2 जो W के बराबर है वो 10 की पावर 5 है, T1 माइनस T2 का डिफरेंस 490 माइनस 290 यानी 200 है। तो Q1 की वैल्यू आई 2.45 इंटू 10 की पावर 5 जूल प्रति सेकेंड। इसी तरह से Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, T2 इंटू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 के बराबर है, डेट इज़ 290 इंटू 10 की पावर 5 बाई 200 विच इज़ 1.45 इंटू 10 की पावर 5 जूल प्रति सेकेंड। आइए तीसरा प्रॉब्लम का तीसरा पार्ट के बारे में बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज गिवन बाय 1 minus T2 upon T1। 1 minus T2 इज 290, सिंक का टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर से कम होता है, T1 490 है, इन दोनों को 1 minus 290 डिवाइडेड बाय 490 को सॉल्व करिए, 490 minus 290 200 डिवाइडेड बाय 490 देन सॉल्व इट, इट इज़ 0.4082 विच इज़ 48.52%। धन्यवाद।